कट टू करके थोड़ा इधर होके बनाओ। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? तो यार आज है संडे और जन्माष्टमी मोस्टली 2 दिन की तो होती है, तो आज भी जन्माष्टमी है और कल मंडे की भी है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। और मोस्टली संडे को तो यार मंदिरों में हो रही है, पहले दिन जो होता है ना, पहले दिन मंदिर में होती है, दूसरे दिन फिर ऐसा होता है कि बाकी सब लोग मनाते हैं, तो वही आज मंदिरों में हो रही है। और ये अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और खाना पीना खा के हम लोग हो चुके हैं फ्री, लंच हो चुका है। बट मेरा जैसे कि मोस्टली होता है चाय का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। मैंने मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए बना लो थोड़ी थोड़ी, तो फिर मैंने उनके लिए बढ़ा ली उसी में, और लौंग वगैरह सब कुछ डाल के बना रही हूँ मैं। और हस्बैंड यहाँ पे किचन में घुसे हुए हैं, ये बना रहे हैं मैगी, मतलब इनका मैगी का मन कर रहा था, तो ऐसे इप्पी का मन कर रहा था, बट इप्पी थी नहीं, ख़त्म हुई थी, तो इन्होंने मैगी डाल दी। मतलब ये इंसान खाना खाने के बाद भी मैगी खा सकते हैं तो और उल्टा मेरे को सिखा भी रहे हैं कि कैसे कैसे बनानी है, तो वही बातचीत चल रही है हमारे में। मतलब थोड़ा सा काम करते हैं और फिर मुझे पूरी डिटेल में सुना देंगे अच्छी तरह कि इसको ऐसे बनाना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये होता है आदमियों का हाल, मतलब जरा सा करो और इतना रायता फैला दो पूरा सुना सुना के। और ये किचन में भी ना तभी घुसते हैं जब इन्हें कुछ बना रहा हूँ, मैगी पास्ता ऐसे, मतलब इंस्टेंट जो चीज़ बन जाती है ना वही बनाते हैं, या कभी कभी जब मन करता है ना मुश्किल से, मतलब कभी चाय बन जाती है महीने में एक आध बार, तो तभी घुसते हैं किचन में, वरना फिर वैसे नहीं आते, वैसे कुछ नहीं बनाते। क्योंकि मैगी ना मोस्टली अपने हाथ की पसंद करते हैं, दूसरे के हाथ की थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो खा तो लेते हैं, ऐसे मैं बनाऊंगी तो खा लेंगे, बट फिर नुक्स निकालेंगे कि पानी ज़्यादा रख दिया था या घुट गई है या ये वो दुनिया भर का। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो खुद ही बनाओ। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रख रही हूँ ऊपर, ये खा खा के ना रख देते हैं सब लोग नमकीन और बिस्किट के पैकेट वगैरह, तो वो सील जाते हैं रखे हुए, तो मैंने कहा इनको डिब्बे में डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं वही साथ साथ में वो भी करती जा रही हूँ और चाय भी बनती जा रही है और हमारी बातचीत भी होती जा रही है साथ साथ। तो यार चाय पी के हो गया फ्री, मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए, और मम्मी पापा से पूछा था तो उन्होंने भी बोल दिया कि उन्हें पीनी है, क्योंकि अभी ना ऐसे जुकाम सा हल्का सा वैसा फील हो रहा था पापा को भी, तो फिर उन्हें भी दे दी। हस्बैंड ने मैगी खाई है क्योंकि उनको चाय का मन नहीं था, उनको शौक चढ़ा, उनको ना इप्पी खाने का मन कर रहा था, हाँ बट इप्पी थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, हम 2 ही पैकेट लेके आए थे, क्योंकि मोस्टली मैगी खा लेते हैं हम, इप्पी नहीं खाते। तो फिर सोचते रहे इप्पी लेके आऊँ, मैंने कहा मैगी खा लो, मैगी तो रखी है, बात तो वही है यार, मुझे तो सब में ना एक सा ही टेस्ट लगता है, मुझे इतना वो नहीं है कि वही चीज़ खानी है। फिर उन्होंने खुद ही मैगी बनाई, क्योंकि उन्हें ना अपने हाथ की मैगी पसंद आती है, किसी और के हाथ की पसंद नहीं आती है। बना तो खैर मैं ही बनाती हूँ खैर, बट मोस्टली वो अपने हाथ से बनाते हैं मैगी। तो बस उन्होंने मैगी बना ली, मैंने चाय बना ली, और अभी यहाँ नीचे आए हुए हैं दीदी और मतलब मेरी जिठानी लगती हैं, जिनकी बेटी से मैंने आपको मिलवाया था लाली, उनकी मम्मी आई हुई हैं। तो अभी नीचे जाने का सीन है, अभी नीचे जाऊँगी मैं, और भी सब लोग देखने के लिए आए हैं, काफ़ी लोग हैं, तो आपको मिलवाती हूँ नीचे चल के, सीधा चाय नाश्ता करवाते हैं उनको भी। हस्बैंड भी नीचे बैठे हुए हैं, सब लोग नीचे गए हुए हैं, जीनी मैडम अंदर सो रही हैं, तो जीनू को मैं जगाऊंगी बाद में, क्योंकि सोने रहते हैं, सोती रहेगी वो अभी काफ़ी देर, अभी सोई है तो उसे तो टाइम लगेगा यार। तो मैं चलती हूँ नीचे, गेट खोल के चली जाऊँगी ऐसी बाहर वाला, तो वो जगेगी तो अपने आप आ जाएगी फिर नीचे। तो बस चलते हैं नीचे। तो यार मैं नीचे आ गई थी तो ये समोसे मंगा लिए थे ऑलरेडी, तो इनको बस देना है मुझे, तो समोसे डाल रही है गैस पे, मैंने चाय रख दिया, तो चाय और समोसे का नाश्ता हो जाएगा अच्छी तरह। और चाय देखो पूरा डोंगा भरा हुआ है, क्योंकि लोग भी काफ़ी हैं तो इसलिए सब लोग पी लेंगे आराम से। और यहाँ पे ना दीदी कुछ बात कर रही थी, बट जैसे उन्होंने देखा कि कैमरा ऑन है तो बंद हो गई। वीडियो देखा था ना, भाभी चुप हुई क्या बात? नहीं हमारी ना भी मनिया नहीं पहने कोई ना, भैया नहीं आ रहा, ज्यादा दिखाई दी भैया नहीं आ रहा, भैया बैठ जाए, बोलो थोड़ा इधर होके बनाओ, चटनी है लो। तो यार बस यहाँ पे बातचीत चल रही है और साथ में नाश्ता चल रहा है,
और ये बाकी सब लोग जो बैठे हैं ना सामने, ये सब दीदी की बहन के बेटे हैं तो मिलने आए हैं। और ये जो वाइट टी शर्ट में, ये हमारी जो जिठानी बैठी हुई है, इनके बेटे हैं। और दीदी से फिलहाल ना ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता तो इसलिए वो अंदर लेटी हुई हैं। तो यार चाय नाश्ता हो गया सबका और मैंने भी कर लिया ऊपर आके, क्योंकि नीचे भैया बैठे थे तो फिर मैंने ऊपर ही चाय पी ली और समोसे भी खा लिया और जीनू को भेज दिया नीचे। जीनू मैडम नीचे हैं। तो यार जस्ट अभी आई हूँ मैं, जीनू को नीचे देखे और मैंने कहा जीनू भी थोड़ा मिल लेगी, क्योंकि शर्माती है वो, इतने सारे लोगों को देख लेती है ना, फिर वो कुछ नहीं बोलती है। तो हस्बैंड के पास बैठे, किसी के पास नहीं जा रही है फिलहाल में। और मैं आ गई हूँ यार, मैंने कहा मंदिर की सफाई कर लेती हूँ नीचे जाके सबसे नीचे, क्योंकि कल जन्माष्टमी है और वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं मंदिर, डेली साफ होती रहती है तस्वीरें, बट फिर भी नीचे का कपड़ा है ना वो सब गंदा हो जाता है, तो वो हटा के ठीक से साफ कर देती हूँ। क्योंकि कल तो यार वैसे ही बहुत काम होंगे जन्माष्टमी पे, तो पता ही यार कितना प्रसाद वगैरह बनता है, फिर खाना पीना, तो कल तो दिन उसी में निकल जाएगा पूरा। तो इसलिए सोच रही हूँ मैं आज वाला काम निपटा देती हूँ, कर देती हूँ मंदिर सफाई का, क्योंकि फिर रात में खाने पीने का टाइम हो जाएगा तो फिर कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए अभी बस वही करने आ रही थी। तो यार यहाँ मैं मंदिर साफ़ करने आई थी और मम्मी ने ऑलरेडी साफ़ कर दिया है, शायद दिन में मम्मी ने साफ़ कर दिया, तो देखो दिखाती हूँ। ये मम्मी ने सब साफ़ कर दिया, प्लेट व्लेट भी अच्छी तरह साफ़ कर दिया और पर्दा हटा के रख दिया उन्होंने, पर्दा धुलने के लिए डाल दियोगी, तो बस मेरा काम। तो वापस चलते हैं ऊपर, मम्मी से पूछ लेते हैं ऊपर। मम्मी मंदिर साफ़ कर दिया? अच्छा, मैं साफ़ करने आई थी, इनका साफ़ कर दूँ। अच्छा, पर्दा धुलने डाल दिया? अच्छा, तो यार मैं ले आई हूँ खाना, डिनर हो चुका है, सब लोगों ने कर लिया है। और आज मैंने बनाई है चने की दाल, घी डाल के, और ये है आलू का पराठा, ये थोड़ा सा। एक्चुअली पापा गए थे ना, किशन जी का प्रोग्राम हो रहा है, मंदिर है यहाँ पे पास में, तो पापा वहीं पे गए थे, तो वहीं पे ना पूरा 56 भोग लगा था किशन जी का, तो काफ़ी कुछ लेके आए पापा प्रसाद में, चरणामृत, केक, पकौड़ी और आलू का पराठा, तो ये सब चीज़ें थी। तो थोड़ा थोड़ा आलू का पराठा जो है सबने ले लिया, तो वही मैं भी ले आई हूँ। और रोटी है तो खा लेते हैं। और जीनू यार बहुत जल्दी सो गई आज, मतलब उसे एनर्जी लो हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा उसको, अभी 9:30 हुए हैं और आज वो 9:30 बजे ही सो गई है। तो नीचे ही सोने लग गई थी, मैं खाना बना रही थी तो हस्बैंड की गोदी में, बट फिर ऊपर लेके आ गए, उसे लिटा दिया अंदर, तो देखो अंदर सो रही है वो, इसलिए मैं बाहर ही खा रही हूँ खाना, हस्बैंड लेटे हैं उसके पास। और अभी दूध हो रही है तो कुछ नहीं पी रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, उसे खांसी सी हो रही है आई थिंक, तो उसका मन नहीं कर रहा कुछ भी दूध पीने का, तो थोड़ा सा सैड लैग खा लिया था उसने, बट दूध बिल्कुल नहीं पी रही है, तो इसलिए एनर्जी उसमें है ही नहीं, बिल्कुल थकी थकी सी ऐसी रह रही है आजकल। तो चलो खाना खा लेते हैं। और यार मैं सोच रही हूँ, मैं ना मूवी देख रही थी आज दोपहर को, सेठ सा मूवी, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ बट मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, हस्बैंड तो देख चुके हैं बट मैंने नहीं देख पाई है, तो आधी देख ली थी मैंने और आधी रह गई अभी, तो वही लगाई टीवी पे, वो देखूँगी और जितनी देख पाऊँगी उतनी देख लूँगी, बाकी उसके देख देख के खाना खाते हैं। कैसे खाना होता? ऐसे कट्टू करके, ऐसे कट्टू करके नहीं, चाट के खाओ है ना, नमक नमक चाट लो है ना, नींबू और नमक। हाँ, जीनू की 10 मिनट की नींद हो चुकी है पूरी, ये उठ के आ गई फटाक से उसी टाइम। और यार मैंने सोचा एप्पल दे दूँ, एप्पल उस दिन खा लिया था इसने नींबू और नमक डाल के, बट आज नखरे दिखा रही है, वो भी नहीं खा रही है एप्पल भी, चाट रही है उसको नमक को और नींबू को, और अपने पापा को भी सिखा रही है कि ऐसे करके खाओ। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना सेरेलैक दे देती हूँ, बोल रही है खा लेगी, तो देखते हैं कि खाती है नहीं खाती है। अभी थोड़ा ही बना रही हूँ उसके लिए, पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, गर्म पानी कर लिया ना, गर्म पानी बना रही हूँ।
चलो ये खाओ। मम्मा खिला देगी, रुक जाओ खिला देगी। तो यार चलो कुछ तो खाया जीनू ने, मतलब कुछ भी नहीं खा रही है वो, सेरेलेक खा लेती है थोड़ा बस, बाकी तो कुछ भी नहीं खा रही है। तो शरीर में कुछ तो पड़ेगा, दूध तो बिल्कुल ही छोड़ दिया उसने, दूध तो बिल्कुल भी नहीं पी रही है। तो वही मैंने कहा चलो भाई अब मूवी लगा लेते हैं फाइनली, अब तो फ्री हो गई हूँ थोड़ा, तो मूवी देख रही हूँ मैं। और जीनू यहाँ पर मस्ती काट रही है आराम से, हस्बैंड देख चुके हैं बट फिर भी उन्हें अच्छी लगी थी तो फिर वो दोबारा देख रहे हैं साथ में। और ये देखो ये खेल करती है, बैठने लेटने कुछ नहीं देती, ऊपर चढ़ती रहती है तो पैरों पे चढ़ती है। अगर आप उल्टा लेट जाओगे ना तो आपके ऊपर ही चढ़ के लेट जाएगी, फिर तो बिल्कुल नहीं मानते। वो कूदती है ऊपर से इतना कि पेट में दर्द हो जाता है कई बार, तो हस्बैंड के तो कई बार हो चुका है, चोट भी लग चुकी है कई बार। तो मैं चिल्ला देती हूँ यार क्योंकि मेरे से फिर बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो चिल्ला देती हूँ बट वो नहीं चिल्लाते, वो जीनू को खेलने देते हैं जैसे खेल रही है। बस यही है कि मैं कम से कम मूवी तो देखने दे रही है। और यार काफ़ी अच्छी मूवी लगी, रियलिटी पे बेस है तो वैसे भी अच्छी, एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी सबकी। और यार सबसे अच्छी बात है कि इतनी नई नई मूवी आ रही है और फ्री में, मतलब घर पे बैठ के आराम से देख लो, कोई खर्चा नहीं होता बाहर जाने का। मतलब कोरोना में कुछ तो अच्छा हुआ है, वरना फिर बाहर जाना होता था सिनेमा में, इतने पैसे डालो और फिर पॉपकॉर्न लो, खर्चा होता था तब जाके एक मूवी देखने को मिलती थी। बट अब कभी भी देख लो घर पर, जब आ जाती है तभी प्राइम पर आ जाती है, हॉट स्टार पर कोई ना कोई मूवी नहीं आती रहती है, तो ये काफ़ी अच्छा हुआ। बट होपफुली शायद खुल जाएंगे अब हॉल वगैरह भी, बच्चों के स्कूल तो खुल ही रहे हैं 1 तारीख से, क्योंकि वैभव किट्टू के स्कूल खुल रहे हैं तो इसलिए मुझे पता चला कि स्कूल खुलने वाला है। और अब जीनू को आ गई थी पॉटी, इसने सुबह से करी नहीं थी तो अब कुछ खाया पेट में गया तो उसको आई, तो मैं उससे वही कह रही हूँ कि इतनी मुश्किल से बैठी थी मैं, जीनू देखने नहीं देगी मेरे को, कम्प्लीट नहीं होने देगी मूवी। तो चलो यार ब्लॉग के एंड में यहीं पे करते हूँ, आपसे मिलते हो कल दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।